बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। ये आपका फ्राइडे के दिन 21 अक्टूबर का जो लेक्चर हुआ था उसकी रिकॉर्डिंग अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकी थी। तो हमने फ्राइडे अक्टूबर 21 को सिर्फ एक क्वेश्चन देखा था डेथ का, एंड वी स्टार्टेड ऑफ विद डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन मैंने दोबारा से स्टार्ट किया था फ्रॉम द स्क्रैच आज के लेक्चर में। 22 अक्टूबर के लेक्चर में वो आपको फ्रॉम द स्क्रैच मिलेगा। तो मैं डेथ वाला जो हमने एक सवाल अटेम्प्ट किया था M22, उसको मैं सिर्फ उसको भी मैंने इतना ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस किया था। तो आई विल बी डिस्कसिंग दैट इन अ सिमिलर मैनर इस लेक्चर के अंदर। अच्छा जी, तो हमने सो फार पढ़ लिया है एडमिशन और रिटायरमेंट के बारे में। सेम डे पे अगर एडमिशन हो और रिटायरमेंट भी हो तो क्या करेंगे, अलग अलग दिन हो, सेम साल में हो, डिफरेंट ईयर्स में हो, इंडिविजुअली हो, जैसा भी, हमने अच्छे खासे सिनेरियोज उसके पढ़ लिए हैं। तो आपके पास एक और टाइप ऑफ चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर आता है जब किसी पार्टनर की डेथ होती है। अब डेथ और रिटायरमेंट, ये दोनों ऐसे चेंजेस इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर हैं जिसमें इतना कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो ये आपके पास पैक के क्वेश्चन बैंक में एक क्वेश्चन है M22 का, इसको जरा आप देख लेते हैं। स्टेप्स आपके ऑलमोस्ट सारे बिल्कुल वही हैं, ठीक है। इस सवाल के अंदर थोड़ी वर्डिंग का इस्तेमाल ऐसा हुआ हुआ था जिसमें आई थॉट के इट इज वर्थ डिस्कसिंग, ठीक है। तो आपके पास इसी तरह से एक क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। आपके पास लिखा हुआ है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बी एंड सी हु आर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल स्टूड एज फॉलोज ऑन December 31st, 2013। तो आपको December 31st का स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन गिवन है, और आपको इसी तरीके से फॉर्म में आपने पहले भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। होता क्या है, 31 दिसंबर को ही स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की प्रिपरेशन के फौरन बाद ही बी डाइड ऑन द अबव डेट एंड द फॉलोइंग वाज अग्रीड अपॉन। अब क्या हो रहा है, डेथ हो गई है, चेंज इन पार्टनरशिप स्ट्रक्चर अपना इफेक्ट में आ गया, राइट। और उसमें आपने फिर वही दिमाग में आ जाना चाहिए, यानी कि अकाउंटिंग में दोबारा से क्या हो जाएगी, हलचल मच जाएगी। इन्वेंट्री इज टू बी रिड्यूस बाय 6%, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ रिसीवेबल्स, land and building should be appreciated by 20%, accrual of ₹5,000 is to be made in respect of outstanding legal expenses. ये जो सारे points है 1 to 4, ये आपको help करेंगे for calculating revaluation gain या loss. Inventory के अंदर 6% से revaluation loss आ रहा है, allowance for doubtful debt increase हो रहा है to 5% of receivables, यानी कि ये भी क्या है, अलाउंस और लाइबिलिटीज अगर इंक्रीज होती हैं तो वो रिवैल्यूएशन लॉस होती हैं, राइट। और यहाँ पे ब्रॉट अप टू का टर्म इस्तेमाल हुआ है, टूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, विच मींस कि ये अब आपको फाइनल फिगर बता रहे हैं, तो इंक्रीज या डिक्रीज की अमाउंट आपको फिर माइनस करके कैलकुलेट करनी पड़ेगी, राइट। लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, तो 20% से आपने क्या करना है, इंक्रीज करना है, यानी कि रिवैल्यूएशन गेन हो गया। और आपके पास पॉइंट नंबर 4 ये कह रहा है कि अक्रूवल इज टू बी मेड फॉर 5,000 रुपीज। तो पहले अगर आप देखें स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर लाइबिलिटीज में कोई भी अक्रूवल के नाम से आइटम नहीं आ रहा था, तो आपने क्या करना है, 0 से 5,000 इंक्रीज करना है अक्रूवल को। इंक्रीज हो गया लाइबिलिटी में, यानी कि ये भी आपका क्या हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस हो गया, सिंपल एज दैट, राइट। फिर आगे जो पॉइंट नंबर 5 है वो आप थोड़ा सा डिफरेंट आप कह सकते हैं विद रिगार्ड्स टू वर्डिंग, वैसे अटेम्प्ट करने में बिल्कुल सेम है। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म इज टू बी फिक्स्ड एट ₹1,08,000, यहाँ पे गुडविल, टोटल गुडविल बता दी गई है। अब बी कौन है, बी इज द वन हु इज डाइंग, राइट, जो जिसकी डेथ हुई है। बी शेयर ऑफ इट बी एडजस्टेड इन द अकाउंट ऑफ ए एंड सी हु आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। तो ये क्या कह रहा है कि जो बी की गुडविल है वो आपने एडजस्ट करनी है ए और सी के अकाउंट में। एडजस्ट से क्या मुराद है, इसको आप ये कह लें राइट ऑफ करना, ठीक है। तो ये जो पूरी लाइन है बी शेयर ऑफ इट बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ ए एंड सी, तो इसमें सिंपली क्या कह रहा है, आपको हिंट दे रहा है कि आपने रेज करके राइट ऑफ करना है, रेज करना है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और राइट ऑफ करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है।
अगर ये बात समझ में नहीं भी आती तो आखिरी पॉइंट में वो दोबारा से बात मेंशन कर रहे हैं कि गुडविल को वैसे ही लोग डिसाइड कर रहे हैं टू राइट ऑफ इन द बुक्स, ठीक है। आगे वो क्या कह रहे हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैश वर टू अपेयर इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन एट देयर ओल्ड फिगर्स, यानी कि इन्होंने रीवैल्यूएशन गेन या लॉस को बुक्स में नहीं रखना, राइट ऑफ कर देना है। और वो सेवेंथ पॉइंट में कह रहा है, इंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड इज टू बी फिक्स्ड एट ₹2,80,000 बिटवीन ए एंड सी। तो ये वाली बात वही वाली चीज यहाँ पे रिपीट हो रही है कि जिसमें उन्होंने क्या कह दिया कि बैलेंस कैरेड डाउन पर जो टोटल है ना वो आपका 2,80,000 होना चाहिए और किस रेशियो में डिवाइड होना चाहिए, 5:3 में। तो बैलेंसिंग फिगर फिर आपकी बैलेंस कैरेड डाउन नहीं होगी, बैलेंसिंग फिगर जो कैलकुलेट होगी वो फिर क्या रिप्रेजेंट करेगा कि ए को ए और सी को अगर कोई एडिशनल कैश लेकर आना पड़ेगा या कोई ड्रॉइंग करनी पड़ेगी, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ताकि उनका जो कैपिटल है वो 2,80,000 पे ही फिक्स हो जाए। क्लियर होगी बात। ए एंड सी आगे लिखा हुआ है, एक्चुअल कैश टू बी ब्रॉट इन और पेड ऑफ एज द कैश में भी एज द केस में भी ए एंड सी हैव आल्सो डिसाइडेड टू राइट ऑफ गुडविल फ्रॉम द बुक्स। तो इन्होंने आगे आपको मेंशन भी कर दिया कि गुडविल को आपने राइट ऑफ करना है। रिक्वायरमेंट में आ जाता है मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन आफ्टर डीज डेथ। अब यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिसिंग है। जिस तरह रिटायरमेंट में मैंने आपको बताया हुआ है कि रिटायरमेंट के केस में जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका हिस्सा, तो उसने इन्वेस्टमेंट पहले से की हुई है, तो रिटायरमेंट के केस में हमने ये चीज पढ़ी हुई है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका हिस्सा किस तरीके से मिल सकता है। रिटायरिंग पार्टनर को या तो लिखा हुआ होगा कि पेड ऑफ थ्रू कैश या चेक, राइट, या तो ये होगा कि उसको हमने उसका हिस्सा दे दिया किसी नॉन करंट एसेट की फॉर्म में, राइट, या फिर क्या होगा हम ये कहेंगे कि उसके हिस्से को हमने लोन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसी तरह अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, अब वो तो जाहिर सी बात है जिंदा नहीं रहा, राइट, तो या तो सवाल में मेंशन होगा कि उसके जो लीगल एयर्स हैं वर्सा है, ठीक है, उनको पेमेंट कर दी गई थ्रू कैश या चेक, यानी कि उसका जो बैलेंस बनता है, बैलेंसिंग फिगर बनती है उसकी डाइंग पार्टनर की, उसका पैसा हमने लीगल एयर्स को पे ऑफ कर दिया, या फिर उसके पैसे को लीगल एयर्स को नहीं दिया गया, उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया, लोन में कन्वर्ट कर दिया। तो जाहिर सी बात है जब आगे जाके अल्टीमेटली ये लोन रीपे करने की बात आएगी और अगर उसका जो इंटरेस्ट इनकम होगा तो वो किसको ही जा रहा होगा, लीगल एयर्स को ही जा रहा होगा, ठीक है। अब इधर सवाल के अंदर इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि जो बी का हिस्सा था कंपनी के बिजनेस के अंदर, फर्म के अंदर, उसका क्या हुआ। तो इधर हम अज्यूम कर लेंगे, देखिए यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इसमें इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ कि बी के लीगल एयर्स को उनके वर्सा को हमने पेमेंट कर दी, तो हम क्या करेंगे, हम ये कह देंगे कि ठीक है, ज्यादा जो सेफ अप्रोच है वो ये है कि हम ये कहें कि जो बी का पैसा बनता है वो उन्होंने पार्टनर ने क्या कर दिया, लोन में कन्वर्ट कर दिया, तो उसकी डबल एंट्री एग्जैक्टली वही होगी जो हम रिटायरमेंट में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इसको थोड़ा सा मैं किक स्टार्ट कर देती हूँ, बाकी फिर आप लोग खुद इसको कर लेंगे। इसका जो बैलेंस शीट की जो फुटिंग है वो मैं आप लोगों से यहाँ पे ऊपर इधर बोर्ड पर लिख दूंगी, आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा। बेसिकली ये आपका था होमवर्क ही था एक किस्म का, ठीक है। तो इसके अंदर आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन्होंने आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वही वाला होगा। स्टेप नंबर वन में आप अपने पास सिर्फ लिख दें कि भाई ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है। तो सवाल के अंदर हमें ये पता लगता है कि ए बी और सी, आप ऊपर देखेंगे तो ए बी और सी का सबसे पहली लाइन में गिवन है कि दे यूज टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल, ठीक है, इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल। तो क्या मतलब हुआ, अब हम देखेंगे कैपिटल अकाउंट कितने हैं, क्या क्या बैलेंस आ रहा है। तो ए ने इन्वेस्ट किया हुआ है 2 लाख, बी ने इन्वेस्ट किया हुआ है 1,50,000 और सी ने इन्वेस्ट किया हुआ है 1 लाख। तो इनके अगर हम रेशियोज बनाएं तो वो इसी तरह से होगा, 200 मैं 100 में बना रही हूँ, ठीक है,
जीरोस को आप रहने दें, चाहे तो 20, 10 और 15 ये भी कर दें, इसको सिंपलीफाई फर्दर आप कर सकते हैं, 20, 10 और 15। तो मैंने जीरोस को ओमिट कर दिया, राइट, 20 बाय 45, 10 बाय 45, फर्दर सिंपलीफाई भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन लेट्स कीप इट एट दिस। और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको उन्होंने क्वेश्चन में दे दिया हुआ है कि डेथ के बाद, बी की डेथ के बाद ए और सी 5:3 में शेयर करेंगे सबको, सारे प्रॉफिट्स को, 5/8 और 3/8। तो ये आपके पास आ गया। स्टेप नंबर टू में आपने क्या करना होता है, गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करना होता है। तो स्टेप नंबर टू में आप जब गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। असल में देखें बैक एंड पे यही काम हो रहा होता है, जो हम रेज करके राइट ऑफ करते हैं गुडविल को, उसमें यही सारा माजरा हो रहा होता है कि आप जो रिटायरिंग पार्टनर होता है या जो न्यू पार्टनर होता है, सॉरी जो डाइंग पार्टनर होता है, उसका हिस्सा एडजस्ट कर रहे होते हैं, राइट ऑफ कर रहे होते हैं, और वो मिल रहा होता है किसको, डेबिट हो रहा होता है किसके पास, आपके रिमेनिंग पार्टनर्स के पास। तो आपने बिल्कुल वही वाला काम करना है, गुडविल को डेबिट करना है 1,08,000 से, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ए बी और सी 20, 10 और 15, 15 है या 1 है, 20, 15 और 10, ठीक है, अपोजिट हो गया, 20, 15 और 10, यहाँ पे भी डिफरेंट होगा। ठीक है, और इसको आपने डिवाइड कर देना है, ये आपके पास आएगा 48, 36 और 24, और 24,000 ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रेज किया और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में राइट ऑफ कर दिया। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और सी का 5/8 और 3/8 में इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 67,500 और 40,500। और गुडविल आपने क्रेडिट कर देनी है 1,08,000 से। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। फिर आई होप ये रिवैल्यूएशन का आप लोग कर लेंगे। आपके पास इन्वेंट्री जो है वो आपके पास आ रही है पहले 80,000 रुपए की, और अब आपको वो कह रहे हैं कि आपने उसको 6% से रिड्यूस करना है, तो यानी कि 4,800 का रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा इन्वेंट्री में। इसी तरह अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट पहले कितना है, 1,000 रुपीज है, अब जब आप निकालेंगे तो ये कह रहा है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट बी ब्रॉट अप टू 5% ऑफ रिसीवेबल्स, रिसीवेबल्स की अमाउंट है 50,000, 5% ऑफ 50,000 कम्स अप टू 2,500। तो 1,000 पहले था, 2,500 रिवाइज है, यानी कि 1,500 का इधर भी लॉस हो गया, प्रोविजन आपका इंक्रीज हो रहा है। लैंड एंड बिल्डिंग में एप्रिसिएशन है 20% से, राइट, 2,50,000 बुक वैल्यू है, उसका 20% निकालते हैं तो आपके पास आता है कितना, 50,000, और 50,000 आपका रिवैल्यूएशन गेन हो गया। और अक्रूवल जो है वो पहले जीरो था, अभी 5,000 है, ये भी आपका लॉस हो गया। इस तरह से जो टोटल आपके पास रिवैल्यूएशन गेन जाएगा नेट, ठीक है, नेट आपका रिवैल्यूएशन गेन होगा 38,700 का। तो मैं स्टेप नंबर दोबारा से स्टेप रिपीट नहीं कर रही, मैं इधर आपको सिर्फ बता देती हूँ कि स्टेप नंबर थ्री में आपके पास नेट रिवैल्यूएशन, जिनके पास सोल्यूशन नहीं है वो यहाँ से देखें इसको, 38,700 का जाना चाहिए, और ये कैसे जाएगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ये है 17,200, 12,000 और सॉरी 12,900 और 8,600, ठीक है, 12,900।
तो ये आपके पास इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। फिर आपके पास स्टेप नंबर फोर में क्या आता है कि अगर कोई प्रॉफिट हो तो वो आप एडजस्ट कर लेते हो, कोई अगर कैपिटल सॉरी जनरल रिजर्व हो, रेवेन्यू रिजर्व हो, वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेप नंबर हाँ, स्टेप नंबर थ्री में आपने क्या करना है, फिर राइट ऑफ भी करना है इस गेम को, राइट राइट ऑफ करना है 5:3 में। तो आपने करना क्या है इसमें, रेज तो हमने कर दिया, क्वेश्चन के अंदर से ये मेंशन हुआ हुआ है कि सवाल में इधर मेंशन हुआ हुआ है एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एक्सेप्ट कैश वर टू अपेयर इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट देयर ओल्ड फिगर्स, तो ओल्ड फिगर्स की बारी आ जाती है। उसका क्या मतलब है कि आपने उसको रिवैल्यूएशन गेन या लॉस को आपने राइट ऑफ भी करना है, और राइट ऑफ आपका होगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो 38,700 पे जब हम राइट ऑफ करेंगे तो वो आपका होगा 24187, अच्छा ये लिखा हुआ नहीं आ रहा इधर, मैं यहाँ पे बता देती हूँ 24187, मार्कर काम नहीं कर रहा अभी। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा ए का, और सी का आ जाएगा 40,500, ये राइट ऑफ की फिगर है, ये आपके पास आ जाएगा डेबिट साइड पे। ठीक है, ये काम हो गया। फिर आपके पास क्या बचता है, आई एम सॉरी फॉर दिस, ठीक है, उसके बाद आपके पास वही है स्टेप नंबर फाइव में, आप जो कैपिटल का काम करते हैं 2,80,000 आपका बैलेंस कैरी डाउन डिवाइड होगा 5:3 में, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी ए की आएगी बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट साइड पे 1487 की, और वो कैश से आपने एडजस्ट करना है, उसकी डबल एंट्री पास होगी कैश के अकाउंट में कि ए फर्दर इतना कैश लेकर आएगा बिजनेस में, और फिर जो कैश का बैलेंस है वो एडजस्ट भी होगा। ठीक है, डबल एंट्री आपने प्रॉपरली पास करनी है। बी को तो आपने क्या कर देना है, बी का जो बैलेंसिंग फिगर है वो आएगा आपका डेबिट साइड पे, और बी को आपने कन्वर्ट कर देना है लोन में 198,900, बी इज द वन हुज डाइंग, ठीक है, डाइंग पार्टनर है वो, तो उसका आपने बैलेंस को कैश के थ्रू नहीं पे करेंगे, चेक के थ्रू नहीं पे करेंगे, उसके आगे बस आपने लिख देना है लॉन्ग टर्म लोन, राइट, और वो आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन के अंदर भी लोन के थ्रू ही उसको दिखाएंगे, बी के लोन के लाइबिलिटी के उसमें दिखा देंगे बीज लोन, और पार्टनर जो सी है उसका बैलेंसिंग फिगर आएगा 27413 क्रेडिट साइड पे बैलेंसिंग फिगर, और इसका भी मतलब क्या होगा कि सी फर्दर कैश लेकर आ रहा है बिजनेस में, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज इट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की जो फुटिंग है वो आपके पास आएगी 547,900, ये टोटल एसेट्स और टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज है। ठीक है, तो ये सवाल हमने किया था, जिनका मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात, डेथ भी सिमिलर है टू रिटायरमेंट। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।